नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आरके न्यूज अपडेट पर आपका स्वागत है। दोस्तों पेश आपके सामने ग्रुप डी भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। तो ग्रुप डी के रिक्त पदों पर होगी भर्ती, इंतजार खत्म, जुलाई अगस्त में होगी संयुक्त प्रवेश परीक्षा। और वित्त विभाग ने भी भर्ती के लिए सभी विभागों को 10 दिन के मांग पत्र हरियाणा कर्मचारी सहायक को भेजने के लिए कह दिया है। दोस्तों तो बड़ी खबर रहेगी। और ग्रुप डी की जो भर्ती हुई थी 18,218 कर्मचारियों की, उसमें फर्जीवाड़े की भी जो है अपडेट आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप पहले बात कर लेते हैं एक बार। हरियाणा में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों की भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं का इंतजार अब खत्म होने वाला है। सरकारी विभाग व बोर्ड निगमों में रिक्त पड़े ग्रुप डी के हज़ारों पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वित्त विभाग ने स्वीकृत पदों को मौजूदा ज़रूरतों के अनुसार 10 दिन में जो है संशोधित करके पूरा रिकॉर्ड भेजना है और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को ये भेजना। दोस्तों जुलाई अगस्त में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए अलग अलग संयुक्त पात्रता परीक्षा होंगी, जिसमें मेरिट के आधार पर युवाओं को नौकरी दी जाएगी। कुछ तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए बड़ी संख्या में विभागों ने ग्रुप डी के रिक्त पदों की संख्या जानकारी HSSC को नहीं भेजी थी, जबकि ग्रुप सी के लगभग 25,000 पदों की जानकारी भेज दी गई थी। जिन विभागों ने अभी कर्मचारियों का शैक्षणिक व अन्य योग्यताओं को समानता के लिए सेवा नियमों में संशोधन नहीं किया, उन्हें तुरंत सेवा नियम दुरुस्त करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं ग्रुप डी 2019 में हुई भर्ती में 2019 में नहीं 18 में हुई थी, गलत तरीके से सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक लेकर नौकरी हासिल करने के आरोप लगे हैं। भर्ती की दौड़ में शामिल युवाओं ने ऐसे करीब 50 उम्मीदवारों की सूची तैयार की है जिन्होंने फर्जीवाड़ा कर नौकरी पाई है। इनकी नियुक्ति हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी, इनकी नियुक्ति को जो है हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। कोर्ट केस के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। वित्त विभाग ने साफ कर दिया कि सभी विभागों को में 2 साल से जो खाली पद पड़े उनको खत्म कर दिया जाएगा। ये जो है सरकार पदों को कम करने की तैयारी में जुटी हुई है। अब बात यहाँ पे उठती है मुद्दा कि ग्रुप डी की जो 18,218 कर्मचारियों की भर्ती हुई थी उसमें 50 उम्मीदवारों की सूची तैयार कर रखी है पहले ही, तो इस कारण से जो है बायोमेट्रिक जाँच कह सकते हैं आप, या फिर उन्होंने सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर सही लिए या नहीं, इस पर जाँच होने की तैयारी शुरू होने लग रही धीरे धीरे। तो ये जानकारी रहेगी दोस्तों। जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी को शेयर जरूर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। इसी के साथ थैंक यू दोस्तों।